इस पर चोरी का इल्जाम है, 100 चाबुक मारने हैं इसे और इसके हाथ गर्म तेल में डालने हैं। भूखा प्यासा रखकर 3 दिन उल्टा लटका कर रखने का फैसला सुनाया जाता है। यहाँ अन्याय हो रहा है साहब, आपको कुछ भी करके इसे न्याय दिलाना होगा। यहाँ अन्याय नहीं बल्कि न्याय हो रहा है। राघव के घर से इस आदमी ने 10 तोला सोना चुराया है और इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुम ही बता दो सबको, दिन दहाड़े उत्सव होने के समय ये पीछे से घुसा और भगवान की दया से उस समय मैं घर पर ही था, मेरा सोना बच गया। या अल्लाह, ये तो सिर्फ ये आदमी बोल रहा है, लेकिन कब कहां और किसके सामने ये सब हुआ था ये बताओ। तुमसे आखिरी बार उसने क्या कहा था, सब कुछ बताओ हमें। बताओ। उसने कहा था इसके निकाह के लिए सोना लाएगा। सुन लिया, इसके पास वो सोना आसमान से गिरा था क्या? पूछो इससे। तो इसके लिए उसे मारकर उल्टा लटका कर उसे पूछताछ कर रहे हो क्या? बोलो, मारो इसे। मारो इसे, जुबान लड़ाते हो, ले जाओ इसे, दूर ले जाओ यहाँ से। समाज में इससे जो अपराध हुआ है उसके लिए 3 दिनों तक इसे उल्टा लटकाने के लिए आपकी अनुमति चाहिए सरकार। इस बारे में हमने आपको सबूत दे दिए हैं। He need your permission to tie him up for 3 days in an open place. But shouldn't there be a due process of the law? Why should there be? What more evidence do we need? It's as clear as daylight. But David, he could die in 3 days. So be it. He deserves to. Don't waste your time and sympathies on a native. Go with your laws. Here's your race. Here's your case. दूसरी जाति के लड़के के साथ उसे पसंद करके शादी करने की कोशिश करने वाली ये एक गुनहगार है, इसे दंड देना चाहिए। इसे पत्थर मार मार कर और इसके बाल काट कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। उसे छोड़ दो। चल, मारो इसे, मारो इसे, मारो, 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 मारो इसे, मारो, 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 ये ले, ये ले, मारो, 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 ये ले,
बाहर निकल। अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। जो भी हो अब वक्त ही इसे सिखाएगा। ईस्वी एडी के पोष महीने के 7 तारीख सोमवार को श्री उत्तरन एलन महाराज के विवाह समारोह में श्री माधव राय जी पधार रहे हैं। आज से दूसरे दिन पोष महीने के 30 तारीख को सुबह चौथी घड़ी में कुचुनी नाम का खतरनाक गुनहगार जिसे फांसी पर लटकाया जाना निर्धारित किया गया है। इसमें जो भी लिखा गया है वही मैं पढ़कर सुना रहा हूं। मोहर लगा दीजिए। मोहम्मद एक साधारण आदमी है, ये बात हमने देवा से पूछ ली है। महाराज हमें उसे देखने के लिए बरामदे में जाना होगा।
ये लोग कयम कुलम से हैं, और भी लोग आने वाले हैं। ये सारे लोग कोई पैसे वाले नहीं हैं। जितने भी लोग हैं भूखे और नंगे हैं। सब कुछ हो जाने के बाद उसकी लाश को ले जाने के लिए आए हुए हैं। पल्लिकाड़ में उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, यदि आप आदेश दें तो, या आपकी इच्छा हो तो। You said he was just a highway thief, didn't you, Maharaja? Yes, Mr. Dara. He is. ये उसकी कहानी है। ये एक देशी कहानी है, बहुत ही अजीब सी कहानी। ये एक ऐसा इतिहास है जो लोगों ने ना तो सुना और ना ही कहीं पढ़ा। मलयालम राज जब तक रहेगा, मलयाली जब तक रहेंगे, आज जो है कल जो रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक चिरंजीवी के जैसा है और सदा ही रहेगा भी। ये कहानी उसी की है। हम लोग इस तरफ जाते हैं। चलो चलो चलो। बेटा भाग क्यों रहे हो? तीन महीने तक हिलना मत, पेट में बहुत ज्यादा चोट लगी है। एक बात समझ लो, महाराज ने तुम पर दया की है इसलिए तुम लोग बच गए। एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर तुमने अपना खान पान अच्छा नहीं किया तो ऐसे ही पड़े रहोगे। आज तुम्हारा दिन अच्छा था जो तुम्हें माफी मिल गई। आगे संभल जाओ तो ही अच्छा होगा। यहाँ रहकर जहर पीने से अच्छा है तुम कहीं और जाकर बस जाओ। जाओ, फिर कभी मत आना, और अपने बाप के बारे में किसी को मत बताना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं कह रही हूँ ना बेटा, जा। ऊपर वाले तेरी रक्षा करेंगे। Mm-hmm.
मैंने सुना था कि यहाँ बड़ा कुन्नी आएंगे। मैं किसी भी जगह ज्यादा समय तक नहीं रुकता, मैं जगह जगह जाके अपनी कला को सिखाता हूँ। जब यहाँ आया तो सुना कि यहाँ पे एक घर और एक चौड़ी सी जगह खाली है। यहाँ कलारी सिखाने वाला कोई नहीं है, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। कलारी के लिए ये सही जगह है, बहुत दिनों से ये जगह खाली पड़ा है। यहाँ एक आदमी रहेगा तो हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, उन्हें दिखाओ। वो जगह कलारी सिखाने के लिए अच्छी है। कौन हो? कौन हो तुम? बोल। रुक जाओ, ये छुपकर देख रहा था। पंडित जी वो चल जा, जा यहां से। नहीं, अंदर कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? कचुनी। गांव? कोट्टाकुलम। तुम यहां पर क्यों आए हो? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? क्या सब मर गए हैं? तुम यहां करोगे क्या? हमें कोई काम के लिए चाहिए, मुझे तो यही सही लग रहा है, इससे मैं काम करवा लूंगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इसे हम यहाँ कैसे? थोड़ा हाथ का काम है और थोड़ा हिसाब का काम है, मैं इसे सिखा दूंगा और रात में ये यहीं पे रुक जाएगा, घर के काम में भी आसानी होगी। पर किसी अनजान को यहाँ पर? यह मेरी जिम्मेदारी। हाँ? तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो मैं रखूंगा। फिर भी अगर इसने कुछ चुरा लिया तो? मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं, काम करके पैसे कमाना सीख, या फिर मुझसे मांग ले, मैं दूंगा। ये ले। कितना हुआ कोचुन्नी? एक ही तो केला था। केला क्यों दिया? मैंने तो केला नहीं मांगा। मेरी पगार में से काट लो। पगार से काट काट कर कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। अभी तुम अपनी पगार से कटवाओगे क्या? वैसे आप कौन है? वो जो लड़का अभी यहाँ से गया, वो तुम्हारा कौन था? आपको क्या सामान चाहिए? 5 किलो चावल, 10 नारियल भी लिख लीजिए, 2 किलो तुअर की दाल, 2 किलो शक्कर, 2 किलो तेल और 6 केला। आप कितने लोग हो? माँ, पिताजी और मैं। एक साथ 1 महीने का राशन ले जाना बहुत ही जरूरी है क्या? और क्या क्या सामान चाहिए? वहाँ काशी आया हुआ है, उसने वहाँ कलरी शुरू कर दी है। वहाँ के लोगों को खिलाने के लिए मुझे काम पर रखा है, इसलिए ले जा रही हूँ। ओह, तो वो बहुत दिनों बाद फिर से शुरू कर दिया क्या? वहाँ शिष्य लोग भी आए हैं क्या? 10-12 लोग हैं वहाँ। अरे अरे, वो बच्चा कुएं में गिर गया। अरे चलो चलो, अरे देखो उसे, चलो चलो। आओ देखें, सबको दूर में ही रखो, जाओ चलो चलो चलो, जल्दी उसे निकाल कर कुएं को बंद करो। अरे आ जाओ, क्या हो गया? अरे आ जाओ, जल्दी आ जल्दी आ। अरे निकालो भाई जल्दी, क्या कर रहे हो? मदद करो बेचारा, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। बाहर खींचो जल्दी। Thank you.
बच्चे को पकड़ो। संभल के, संभल के। ये कहाँ से आ गया? पीछे 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 पीछे। मत मारो इसे। बेचारा जानवर है। कुछ नहीं, तुम पीछे हटो। मैं भी बड़े जाति का नायर हूँ, हम लोग भी इसी का पानी पीते हैं। मैं इस कुएं को कभी भी बंद नहीं होने दूंगा। इसमें से नीच जाति वाले भी पानी लेकर जाते हैं, तुम क्यों परेशान हो? तुम बीच में हमेशा टांग क्यों अड़ाते हो? उस नीच जाति वालों के साथ तुम हमेशा पड़े रहते हो। अब ये पानी जहर हो गया है क्या? चाहो तो इसे शुद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण को उसमें डाल दो। बस मत करो अपनी। हटाओ, हटाओ इसे। चल ना, बंद करो। चलो, छोड़ दो। जाओ अपने घर। ठीक से बंद करो। तो सांप को पकड़ने गया, तुझे बिल्कुल डर नहीं लगा? बता। सांप पकड़ना तो मेरी आदत है। अरे तू बच गया कि सांप ने तुझे काटा नहीं, वरना तो है। अरे भाई जल्दी चलो ना, मुझे कोची पहुंचना है। आ, 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 माल जल्दी ले जाना, आज बैल ही नहीं चल रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, किसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, सब कुछ। क्या मतलब है? मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। बड़ी गलती करोगे तो ही बड़े साहब ध्यान देते हैं, वरना नहीं देते। और वैसे भी वो हमेशा बड़ी जाति वालों का ही साथ देते हैं। मालिक, विदेश से आते और हमारे देश में उन्हीं की बातें नियम होती हैं क्या? मुझे उन लोगों की भाषा नहीं आती, वरना मैं उन लोगों को जवाब देता, और ऐसा जवाब देता कि कोई समस्या ही पैदा नहीं होती। तू रुक क्यों गया? वो सब छोड़, तू एक बार जरा सामने देख। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? कमांडर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। इन्हें थैंक यू कहो। थैंक यू। कोई समस्या तो नहीं होगी? इंग्लिश में उसे धन्यवाद कहते हैं। डैंग यू। दिस इज फॉर पुटिंग अनदर लाइफ अबव योर्स, अवार्डेड ओनली टू द ब्रेव। सुरक्षा के नाम पर दूसरों की जिंदगी की रक्षा करने के लिए यह उसी का सम्मान है। तो अभी मैं क्या बोलूं? सर झुकाकर खड़े रहो। नेक्स्ट टाइम कैच इकिकारी पाकी द बैंडिट। अगली बार डकैत और नीति करे पक्की को भी पकड़ना। किसको? नीति करे पक्की। पिछली बार ये लोग उसे पकड़ने के लिए गए थे तो इनका सर नहीं सिर्फ शरीर आया था, तो मैं कैसे जाऊं? He says he will try. Mr. Arikari, I would like to give this boy something more. कोई और भी तोहफा इसे देने के लिए साहब की इच्छा है? Come on, make a wish. साहब कह रहे हैं तुम्हारी और कोई इच्छा है तो बताओ। यहाँ पर साहब की कुटी से रात को नाच गाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है, तो मैं और मेरा दोस्त वो देखना चाहते हैं बस, क्योंकि कभी देखा नहीं है ना, इसलिए एक बार देखना चाहते हैं।
have a surprise for you. A present from your own village. Dance with them. They are yours. This is why they say you can teach a pig to behave better than an Indian. क्या है आप काम क्या है? मैं यहां ये कला सीखने के लिए आया हूं. यहां खड़े हो जाओ. तुम्हें पगार मिली है क्या? ये जानकर तुम क्या करोगी? उसमें से आधे पैसे खाने पीने में खर्च कर दूंगी. सांप पकड़ने जैसा काम नहीं है ये. सभी लोग अभ्यास करते हैं, अगर गलती से चोट लग गई ना तो दो दिन उठ नहीं पाओगे बिस्तर से. यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं. गलती से भी किसी से टकराना मत. आप क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रही हैं? आप बस अपना काम करो ना. मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ. तुम्हारा ये चेहरा है ना, ये बिगड़ना नहीं चाहिए. तुम्हारे फायदे की ही बात कर रही हूँ मैं. नाम? कुचुन्नी. गांव? यहीं का हूं मैं. कहाँ जन्म हुआ? कचुकलुंगरा. बाप नहीं है इसलिए मैं यहां पर रहता हूं. बाप का क्या नाम है? कोचुपलुंगरा में मैं सबको जानता हूं. बापू कुट्टी. तुम ये सीखकर उससे बड़ा चोर बनना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. जाओ. अच्छे से करो. मैंने तो उनको अपना पूरा अभ्यास दिखाया. कोचुन्नी, तुम तो कमाल के हो. तुम तो सब कुछ सीखे हुए हो और तुम्हारे पास सीखने जैसा अभी कुछ बचा भी तो नहीं है. सच कहूं तो तुम्हें ही अपना गुरु बना लेता हूं. तुम और कुछ बताओ तो मैं अपने शिष्यों को भी सिखा सकता हूं. क्या बात है. नहीं मतलब आप मुझ पर विश्वास करो या मत करो. हमें तुम पर विश्वास है लेकिन तुम सिखाओगे क्या? उसके लिए पैसा मिलेगा क्या? सिखाऊंगा तो मिलेगा ही ना. तीन लोग, सिर्फ तीन लोग. एक शिष्य इधर से और दूसरा शिष्य उधर से, तीसरा सामने से. ऐसे सीधा मैं उनके सामने गया, तैयार हुआ. हाँ. एक को पकड़ा, दूसरे को ऐसे जकड़ा. हाँ.
ऐसे घुमाया, फिर ऐसे ऊपर उठाकर जो सामने से आया उसको भी संभाला। हाँ? मैं तो बस यहाँ फूल लेने आई थी, ले लूं क्या? हाँ हाँ, तीन लोगों को पटका। फिर मैं तो बस कैसे सीखते हैं वो बता रहा था। तो आप जैसे वीर पुरुष उनके गुरु बनेंगे? हमने तो सोचा कि तुम यूं ही मजाक कर रहे हो, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, सब कुछ जानने के बाद पता चला। तो क्यों ना आप अपने शिष्यों को यहाँ ले आइए, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, उन्हें यहाँ पर सिखाइए और हमें भी पैसे मिलेंगे। अभी आप लोग फालतू बातें करना बंद करो, चलो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो जाकर तैयारी करो। अरे तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से काम करो अपना। और तुम जाकर पहले सुरमा लगाओ, जाओ जाओ ना। मैं तो सुरमा लगा के बैठी हूँ। नहीं दिख रहा है, एक काम करो अंदर जाकर वापस लगाओ, जाओ। छुप छुप कर सीख सकते हो क्या? हैं? कलरी सीखने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ। अभी? अभी नहीं, दिन के वक्त आए और किसी की नजर पड़ गई तो जैसा अभी अभी तुम्हारी दादी ने कहा, तुम्हारी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे वो। रात में आना, आज से ही शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा। वो लोग 6 महीने से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरते हैं, फिर वापस कब आएंगे उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं उस जगह पर जाकर, अब क्या करना है बताओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मन से तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन वहां पर एक लड़की जो है उसको देखकर मुझे। कौन है वो लड़की? हाँ, जिसे सुरमा लगाने को भेजा था, कौन है वो? वो मेताई सैताली की बेटी है, सोहरा। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी कोई नहीं है। तो फिर तुम उसके आसपास क्यों घूमते रहते हो? वो तो मेरे घर जैसा है, वहां हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो लोग आ गए हैं, बहन के लिए रिश्ता आया है। बैठिए। सुनो, अभी कहाँ जा रहा है तू? जाके आता हूँ फिर बताता हूँ। अरे कहाँ जाएगा, साफ साफ बताना। नमस्कार करो, अब बैठकर सीधा हो जाओ, पैर फैलाओ, सिंह के जैसा आक्रमण करो, बाएं तरफ से दोनों हाथों को मिलाओ, आगे की तरफ झुको और अपने चारों तरफ दृष्टि रखो। सिंह के जैसा आक्रमण करना सीखो, पैर रखकर हाथी के सूंड के जैसा, अपनी आंखें जमा कर रखो। चलो शुरू हो जाओ, दोनों हाथों को मिलाओ, चलो और बहुत बढ़िया, पलटी मारो,
सिंह के जैसा आक्रमण करो, हाथी के सूंड के जैसा, बस वैसे ही करते जाओ, बारी बारी से करते रहो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान दो, सब लोग अपना आगे हाथ फैलाओ, जो बताया उस बातों पर ध्यान दिया करो, पीछे की तरफ जाओ, सिंह की तरह हाथ जोड़ो आगे की तरफ, अब हाथी के सूंड की तरह करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, करते जाओ। आप क्यों मेरी मदद कर रही हो? आपको वश में करना आता है, बहुत ही खतरनाक लड़की हो। आपकी जाति की लड़कियां ऐसा ही करती हैं क्या? आप लोगों के 13 चरित्र होते हैं, उसमें से एक चरित्र मुझे दिखाओगी? क्योंकि मेरी देखने की इच्छा है। अब बस बेकार हो तुम, मुझे तुम्हें वश में करने के लिए किसी विद्या की जरूरत नहीं है, तुमसे भी बहादुर लड़का मिल सकता है। शूद्र लड़की का भी अपना मन होता है, उसके दिल में भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए होता है। तुम एक बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, अगर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ इतनी दूर अकेली नहीं आती, एक अनजान आदमी के साथ, वो भी इतनी रात को। कल मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, फुलवानी हट जा रहा हूं ना, मालिक के साथ मुझे कुछ ही जाना है, सुबह निकलना है, 3-4 दिनों के बाद वापस आएंगे, उसके बाद रात को मुझसे यहां मिलना। मैं यहां आकर खड़ी रहूं? अभी तो तुम्हें रास्ता पता है ना। मैं मुसलमान हूं। किसी की जात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदमी की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके गुणों से होती है। शाम को हम लोग निकल जाएंगे, इस तरफ से हम कुछ ही जाएंगे, हम शगुन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यात्रा की जाते समय एक दिया देखने से बहुत ही शुभ होता है, ऐसा वेलू केनी ने कहा था। तो फिर दिया किनारे पर रखकर चली जाऊंगी। लेकिन वो अपनी पसंदीदा लड़की को ही देना चाहिए। ठीक, वैसे ही करो, जरा सीधा होकर, कमर को थोड़ा झुकाकर, हाथों को बराबर में रखो, हाँ हाथी के सूंड के जैसा मोड़ो, सिंह का आक्रमण जैसा करो। क्या है गुरुजी? मुझे आभास हो रहा है कि वहां कोई है, वहां बाहर की तरफ। मुख्य दरवाजा बंद करो। आदेश तुझे गुरुजी। निशब्द। जो कोई भी है नीचे उतरो। Yeah.
बस करो। अंधेरे में छुपकर दिशा सीखने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो गुरु के चरणों में गिरकर सीखने वाली विद्या है ये, गली के गुंडों को सिखाने वाली विद्या नहीं है ये। जाओ। आप मुझे माफ कीजिएगा, रात में छुपकर ये सब देखा इसलिए। तो तुमने इसे रास्ता बताया, इसका परिणाम क्या होगा? तुम भी साथ दे रही हो, बताओ। इसके साथ मैं निकाह करने वाला हूं। अपने प्रेमी को लाने के लिए कल्लीर ही जगह मिली थी, बोलो। केशव, तुम्हारे गुरुजी की वजह से ही ये गली का गुंडा ही इस लड़की को बचा सकता है। आज गुरुवार है, अच्छा दिन है, प्रार्थना करने की तैयारी शुरू करो। एक गैर आदमी को देखकर मेरा मन बोल रहा है कि हमें एक अच्छा खिलाड़ी मिल गया। सात साल पहले जब मैं शिष्य बनने आया था, उस समय लाई हुई सारी चीजें मैं लेकर के जा रहा हूं, सिर्फ यही। तुम कहां जा रहे हो? गुरु को इस दिव्य मुहूर्त में एक नया खिलाड़ी मिल गया। सात सालों तक यहां मेहनत करके, त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करके मैं लगातार निष्ठावान बना रहा, मगर अब मेरे साथ धोखा हुआ है। तुमसे 5 गुना ज्यादा वो बेहतर साबित हुआ, वो भी बिना गुरु के सहारे। 1 साल की विद्या उसने 40 दिनों में सीखी, ये अद्भुत है। बिल्कुल है। अब आपको महान खिलाड़ी मिल चुका है गुरुजी, अब मेरी क्या जरूरत है आपको? अब हम कहीं भी मिलेंगे, दोस्त बनकर नहीं मिलेंगे, दुश्मन बनकर मिलेंगे। चलता हूं मैं। मुझे ये जगह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो तो चला गया, लेकिन मुझे एक ताकतवर खिलाड़ी चाहिए था और वो मिल गया। नमस्कार करके हाथों को जोड़कर ऐसे पीछे की तरफ झुको। सिंह के जैसा आक्रमण करके, सिंह के जैसा कूद कर, फिर वापस मुड़कर, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अपनी नजरों को सीधी रखो, दाएं हाथों से घुटने को छूकर हाथों को बदलो, हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ो, जमीन को छूकर प्रणाम करो, धरती को छूकर पीछे की तरफ जाओ। अब सर को ऊपर उठाकर सीधे खड़े हो जाओ। मुझे तुम पर गर्व है, तुम नहीं हारोगे, जीत चाहने वाले हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा करते हैं। पर संभाल नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ऊपर वाला हमारे साथ है। हे, जरा इसे पकड़ो।
जरा रुक जाओ। वो सम्मान तो महाराज का फैसला लेने के बाद ही देना चाहिए था। पर क्यों? आगे और पढ़ाने के लिए नीच जाति वाले अगर ज्यादा पढ़ लिए तो हम पर शासन करेंगे, हमें उसे बर्दाश्त करना होगा। आप लोग फैसला लीजिए, वो लोग जिस हाल में अभी रह रहे हैं वैसे ही रहें तो बेहतर है। समय बदलते देर नहीं लगती, ये बात हम सभी को समझना होगा। फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं। अगर यह रहस्य पता चल गया तो हमारे लिए खतरा ना हो जाए। छोटी जाति के औरतों से बच्चे ज्यादा होंगे और सब हमारे ही होंगे। अगर यह रहस्य भी है तो हमारा ही है। उसे वहां से निकालना है। वो बहुत ही वजन वाला है, मुझसे अकेले नहीं होगा। आदमी हम देंगे, लेकिन ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। आज के दिन ये बात सभी लोग जानते हैं कि उत्सव का पताका फहराने का दिन है। 6 में से 1 दिन किनारे के सब लोग उत्सव में रहेंगे, उसी वक्त हम वो काम करेंगे। इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी मांग सकते हो, मांगो। मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। मुझे एक तोला सोना चाहिए। हमारी सिधाली की बेटी का निकाह करना है। हाँ। उसको दहेज में देना है। काम खत्म होने पर 1 तोला नहीं 10 तोला सोना मिलेगा। दूसरा, हम लोग कुंजी गांव के लोग उत्सव में आने वालों को पायस और खाना खिलाते हैं, तो आप मालिक लोग उसका इंतजाम कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं। लेकिन कुंजी गांव तो नीच जाति वालों का गांव है। वो तो बहुत ही बेचारे हैं, वो लोग बहुत ही खुश होंगे। और तीसरी मांग? मैं एक शूद्र लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूं। ठीक है, पर ध्यान रहे ये महाराज का काम है। दूसरों को पता चला तो वो उसे उड़ा ले जाएंगे। तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा। ऊपर वाले की कसम, मेरे मालिक की कसम। जाओ। इसकी कीमत क्या है? 2 पैसे हुए। और ये 8 पैसे का। ओह, चलो हटो, लेता हूं मैं। कुचुनी, ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए। तो दो मुझे। सच बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। ये उस लड़की के लिए, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं, मुझे वो बहुत पसंद है। निकाह करोगे? लेकिन कौन है वो, बताओ ना। कुछ नहीं।
उस लड़की के साथ मिलकर तारीख तय कर लो। कबूल भी नहीं करेगी तुझे, ऐसे धूप में घूमोगे तो। कल उस लड़की से निकाह से पहले आपके पास ले आऊंगा और उससे आपको मिला दूंगा। हैं? हाँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर एक काम करना, कान और गला खाली भेजना, ठीक है? पता नहीं तुमने कुछ सोचा है या नहीं। कितना हुआ? 10। इसे दे देना, ठीक है? चलो। चल। अरे आज बहुत मजा आएगा, आज तो त्योहार है, बहुत खुशी मनाएंगे। हाँ वहां पर सारा इंतजाम है, बस खाली वहां पर चलो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तुमने हमसे 1 तोला सोना मांगा था, हमने तुम्हें 10 दिया, तुम इसका क्या करोगे? मैं मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ पर रहता है, उसे मदद चाहिए, उसकी बहन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो सुरमा का निकाह करवाना है और थोड़े जो पैसे बचेंगे वो मैं मालिक को दे दूँगा। संभल कर जाना। हाँ। इस पर चोरी का इल्जाम है, 100 चाबुक मारने हैं इसे और इसके हाथ गर्म तेल में डालने हैं, भूखा प्यासा रखकर 3 दिन उल्टा लटका कर रखने का फैसला सुनाया जाता है।
यहाँ अन्याय हो रहा है। साहब आपको कुछ भी करके इसे न्याय दिलाना होगा। यहाँ अन्याय नहीं बल्कि न्याय हो रहा है। राघव के घर से इस आदमी ने 10 तोला सोना चुराया है और इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुम ही बता दो सबको, दिन दहाड़े उत्सव होने के समय ये पीछे से घुसा और भगवान की दया से उस समय मैं घर पर ही था, मेरा सोना बच गया। या अल्लाह, ये तो सिर्फ ये आदमी बोल रहा है, लेकिन कब कहां और किसके सामने ये सब हुआ था? ये बताओ तुमसे आखिरी बार उसने क्या कहा था, सब कुछ बताओ हमें। बताओ। उसने कहा था इसके निकाह के लिए सोना लाएगा। सुन लिया? इसके पास वो सोना आसमान से गिरा था क्या? पूछो इससे। तो इसके लिए उसे मारकर उल्टा लटकाकर उसे पूछताछ कर रहे हो क्या? बोलो, मारो इसे। मारो इसे, ले जाओ इसे, दूर ले जाओ यहाँ से। समाज में इससे जो अपराध हुआ है उसके लिए 3 दिनों तक इसे उल्टा लटकाने के लिए आपकी अनुमति चाहिए सरकार। इस बारे में हमने आपको सबूत दे दिए हैं। He need your permission to tie him up for 3 days in an open place. But shouldn't there be a due process of the law? Why should there be? What more evidence do we need? It's as clear as daylight. But David, he could die in 3 days. So be it. He deserves to. Don't waste your time and sympathies on a native. Go with your laws. Here's your race. Here's your case. दूसरी जाति के लड़के के साथ उसे पसंद करके शादी करने की कोशिश करने वाली ये एक गुनहगार है। इसे दंड देना चाहिए। इसे पत्थर मार मार कर और इसके बाल काट कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। उसे छोड़ दो। चल चल, मारो इसे, मारो इसे, मारो, 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 मारो इसे, मारो, 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 ये ले, ये ले, मारो, मारो, निकल जाओ इसे, ले, मार निकल। अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। जो भी हो, अब वक्त ही इसे सिखाएगा।
पीलो, दर्द के लिए अच्छा है। घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों बचाया आपने मुझे? चोर मुझे पसंद है और मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं सबको चोर बना दूं। अभी हम लोग कहां जा रहे हैं? साउथ से कन्याकुमारी, नॉर्थ से कोची, ये कहीं भी चला जाएगा। किसी किनारे पर मुझे उतार दीजिए, मैं वहां से चला जाऊंगा। उसे ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। जिसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया गया हो, अगर उसे खाना पीना नहीं मिलेगा तो शायद वो मर जाएगी। जो जंगल भागकर जाते हैं वहां वो जानवर का शिकार हो जाते हैं, और अगर वो बच जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी, ये सब उसके पापों की ही सजा है। उसे मत ढूंढो, वो नहीं मिलेगी। तो आपने मुझे बचाया क्यों? मैं वहीं पर मर गया होता, वैसे ही छोड़ दिया होता आपने मुझे। तो जा जाकर मर जा डरपोक कहीं का, जा इस पे कूद कर मर, मर जा, मर जा। छोटी जाति की लड़की का हाथ पकड़ने वाला और गोरे साहब का हाथ पकड़ने वाला वीर लड़का इस गांव में है, इसी से मैं खुश हुआ और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जी कर दिखाने में हिम्मत होनी चाहिए। वापस जाना है, लाश बनकर जीना है। उस बड़ी जात वालों ने जो तुम्हारे बाप के साथ किया, ठीक वही उन्होंने तुम्हारे साथ भी किया। उसे चोर बनाया और तुम्हें भी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी रस्सी से बांध कर उल्टा लटका कर चाबुक से मारा। अब वो गलती सच में करके दिखा। उन लोगों ने जो तुम्हारी प्रेमिका के साथ गलत किया, उन कमीनों को अब सबक सिखाएगा तू।
जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात याद रख। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अब इस जीवन को हमें कैसे जीना है, इसका फैसला खुद को ही करना पड़ता है। मैं जीऊंगा, हम वापस जाएंगे। हिम्मत वालों के सर पर हाथ रखकर उसका साथ देता हूं। इति कर पक्की। चला जा मोहम्मद। नूर मोहम्मद। कुंजू मरिकान। कोई नहीं दिख रहा है, चलो अंदर चलते हैं। अरे भाई, वो बच्चों को लेके जा रहा है, इसे छोड़ो, छोड़ो, चलो बच्चों को बचाएंगे, चलो, छोड़ दो मेरे बच्चों को, मैं जाता हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चों को। बच्चों की आवाज उधर से आ रही है। हाँ, उस तरफ से आ रही है। चलो चलो। अरे अरे, ये रहे बच्चे, बच्चे ये रहे। ऐसा जेवर वो लोग लेकर गए अशोक, लेकिन बच्चे वापस मिल गए, ये सब भगवान की दया। जो लोग आए थे वो लोग कौन थे कुछ पता नहीं चला। हम कौन हैं ये बताने का वक्त आ गया है।
हुआ खुल गया। क्या इस तक? नहीं, इन्होंने मुझे खाना खिलाया। जैसा आपने सोचा था मैं वैसा नहीं बन पाया, लेकिन आपको मारूंगा नहीं। अब से बड़ी जाति वालों का जुल्म छोटी जाति वाले नहीं सहेंगे। अब किसी भी मासूम लड़की को पापनी नहीं कहा जाएगा। आज से कायम कुल्लम में इसका कानून चलेगा, कुछ चुन्नी का कानून। कौन आया था? कायम कुलम कुचुनी। मैं 2 दिनों के बाद यहां से चला जाऊंगा। अगर गलत ताकतों से निपटने के लिए कायम कुल्लम कुचुन्नी रहेगा तो इत्तिकार पक्की भी रहेगा। चला जा। अब तुम सब लोगों को समुद्र के किनारे रहना चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरी जगह जाने का वक्त हो गया है। इसे तुम अपने पास रखो। आज से ये लोग तुम्हारा साथ देंगे जैसे मेरा देते थे। जैसे मेरे साथ रहते थे वैसे तुम्हारे साथ भी रहेंगे। मेरी एक इच्छा तो रह गई, इस घने जंगल में हिरण का मांस खाना। पहाड़ के शिकारी लोग कहते हैं यहां बहुत हिरण है, लेकिन मैं अब तक नहीं खा पाया।
बस अभी ठीक हो जाएगा। आपको इस जंगल से आने की क्या जरूरत थी? जाने के लिए यही रास्ता मिला था क्या? तेज हवा चल रही थी, जंगल के अंदर से एक आवाज आ रही थी, फिर एक लोमड़ी आई। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन उसे मारने का मन नहीं हुआ। जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी जान होती है, उन्हें भी बचाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ये घोड़ा, मैं इसकी देखभाल करूंगा, देखता हूं। इसके गर्दन में चोट लगी है, शायद ये रात तक नहीं बचेगा। इससे ज्यादा घायल घोड़े को मैंने बचाया है। अब जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? अंधेरा होने से पहले यहां से निकल जाओ। इस जंगल से बाद में जानवर निकलने लगेंगे। पूरब की तरफ सीधा जाइए, कुछ दूर जाने के बाद आपको खेत मिलेगा। ये लीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए। इसका ध्यान रखना। इस तालपत्री को लेकर आने वाले को हमारे राज्य में इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई ना करते हुए इनकी जरूरत को पूरा करना होगा, यह मैं आदेश देता हूं। यही है राजा का कथन, श्री सावाधी त्रिनाल महाराजा। लड़कियों को कहां ले जा रहे हो? उस त्योहार में जाते वक्त विष्णु लंबोपरी की पालकी को अपने हाथों से छू लिया था, इसीलिए हाथ काट देंगे ऐसा कहा उन्होंने। हमें उनके सामने ले जाया जा रहा है कि वो हमें माफ कर देंगे, इसीलिए हम जा रहे हैं। लंबोदरी के अलग घर में तेरी तो, अगर सच नहीं बताएगा तो यही मार दूंगा। रात उनके साथ में। ब्राह्मण हूं और मैं छोटी जाति के लोगों को जानवर के जैसा उन्हें समझकर बहुत मारा, उनके हाथ पैर काटे, उनके साथ हमने बहुत अन्याय किया। Thank you.
चला दो इसे। अभी यहीं पर सब कुछ खत्म कर दो, आगे ऐसा कुछ किया तो वहीं मार दूंगा। नामक खतरनाक डकैत इस गांव में आएगा। उसे इस गांव में घुसने से पहले सारे गांव वालों को उसे सावधान रहना होगा। यही हम सूचना दे रहे हैं। पैसा, सोना और कीमती चीजों को रोशनी की जगह में ना रखकर उसे अंधेरे में ताला लगा कर रखें। उसे पकड़कर देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। सबके सब लोग सतर्क रहे। उसका सर काट कर लाने वाले को 12 तोला सोना इनाम, जिंदा पकड़ने वाले को 18 तोला सोना। अगर उसे किसी ने बचाने की कोशिश की, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि मैं केशव सबके सामने उन्हें सजा दूंगा। इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से याद रखें और हमारा सहयोग करें। They think Kuchini's message could mean danger. कई पीढ़ियों से चीजों को बदलने का व्यापार हम सब करते हैं, यही हमारा धंधा है। हमसे दुश्मनी की वजह से वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। हमारी मेहनत से कमाई हुई चीजें किसी दूसरी जगह पर हमें ले जाने की अगर आप अनुमति दें तो मेहरबानी होगी, है कि नहीं? इस मामले में हमें आपके मदद की खास जरूरत है। कैसी मदद चाहिए? जी, अगर हम कंपनी के 6 सिपाहियों और हाथियों के साथ यात्रा करेंगे तो हम सब 6 दिनों में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। They need our elephants. कल सुबह 7 बजे हम लोग निकलेंगे। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। ये गुप्त ही रहना चाहिए। अचन मंदिर के दक्षिण में जो बड़ा पहाड़ है, वहां पर हम रहेंगे। जो भी चीजें हैं वो हम बदलेंगे और जो पैसा देना है वो हम देंगे। उस वक्त भाव में बदलाव नहीं होना चाहिए। हम वादे के पक्के हैं। आज तक हमने व्यापार में किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। युदास के बेटे हैं हम। रास्ते में उसकी नजर ना पड़े, बस इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कोचुन्नी किस रास्ते से आता है हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। Thank you.
उसकी आंखें बिल्कुल शेर के जैसी है, छोटे छोटे बाल, हट्टा कट्ठा चौड़ा सीना, गठीला शरीर, वो दिखने में बिल्कुल एक जानवर के जैसा है। ये सब आप लोगों के लिए है, आप लोगों की गरीबी दूर होकर अब अच्छी जिंदगी जिएंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भाई, आइए सब, ये बच्चों को दे देना। ठीक है। और उन्हें घर में अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ, ऊंची जाति वाले देख करके जलेंगे। लेके जाओ। ठीक है। मुसलमान को आप अपना समझोगे क्या? मेरी यही इच्छा है। हमारी कोई जाति नहीं है। सच कहूं आपसे, आपने जो तोहफे दिए हम डर रहे थे। आपके साथ जो दो लोग आए हैं उन्हें हम अदरक की चाय भिजवा देते हैं। मैं तो कहूंगा काम मत छोड़िएगा, उसे जारी रखिएगा, यही सबके लिए ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इस पर आपका हक है। आप जैसे 10 लोगों को गुलाम बनाकर काम करवा के आपका ही बनाया हुआ पैसा ही है, लेकिन फिर भी उसके बाद आप लोग भूखे ही रहते हो। आप मेहनत नहीं करोगे तो खेती बाड़ी कैसे होगी? वो कहते हैं छोटी जाति वालों को धंधा नहीं करना चाहिए। ये बात वो लोग कह रहे हैं ना? मैं आऊंगा अदरक की चाय और बीड़ी पीने के लिए। वक्त आने पे और काम होने के बाद सबके घर में दे देंगे, मगर तुम्हारे जाने के बाद किसी को कोई मदद नहीं मिली, उस सुकर को बहुत झेलना पड़ा।
तुम्हारे जाने के बाद कोई भी उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था। उत्सव के दिन कुच्चू पिल्ले और सूकर का निकाह होने वाला है। उन दोनों का निकाह गांव के मैदान में कुचुनी ही करवाएगा। हर जगह इसी बात को लेकर के चर्चा है। केशव, पकड़ो इन्हें, पकड़ो ओए भाग के जाने ना पाए, पकड़ो सबको, पकड़ो इन्हें। ओम हरि देवा नारायण नमो हरि ओम See the wedding festivities all over your face. विवाह में आपके शामिल होने की निशानी आपके कपड़ों से मिल रही है। 10 police officers and one petty thief. What would you say to that, Mr. Tarsida? वो लड़का दूसरी बार आपके हाथों से बचकर भाग गया है। अब तीसरी बार के लिए हम इंतजार करें? आप ही बताइए दीवान को मैं क्या जवाब दूं? अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है? केशव, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जानकी। हाँ।
मत मारो। जाबे क्या ये बवा जंगल है? इस जंगल में कुचनी नाम का कातिल रहता है ना? हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। हे भगवान, इस अंधेरे में उसे नहीं आना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ जो आया है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ कुचनी ही नहीं, यहाँ पर खतरनाक जानवर भी घुमा करते हैं। कहाँ तक जाना है? एवोर तक। अम्मा को घर पर ही छोड़ाया। सुना है कि ऊंची जाति वालों को ही परेशान करता है। मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो और क्या? कुछ चूनी की अगर नजर पड़ गई तो हम दोनों को एक साथ ही यहाँ से जाना चाहिए। एयूर में कहाँ पर जाना है? आया कुटी मठ, सुना है क्या तुमने? हाँ सुना तो है। अच्छा मैं चलता हूँ। वापस फिर से कोई आवाज आए तो मुझे बचा लेना। इस जंगल में मैं अकेले कैसे जाऊँ? जानवर भी हो। मैं साथ चलूँ? हाँ, अगर मैं साथ आऊं तो कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। नेक काम और पूछ। अब चलो। हाँ हाँ। सुबह होने से पहले मुझे मठ पहुंच जाना होगा। वहां पर मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए पहुंचना है। दो दिन पहले मैं नदी के किनारे बेहोश हो गया था। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? त्रिवारम पूजा की वस्तुएं मेरे पास हैं। अगर कुछ नहीं आएगा तो उसे मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बताओ? बताओ क्यों? मैंने नाभि के नीचे छुपा रखा है। दिमाग वाले हो। सिर्फ वही बात नहीं, मैं करली भी जानता हूं। करली नहीं, कल्लरी। हाँ। डरो मत, आ जाओ। अरे सुनो, वो आ गया। जंगल में मुझे ये मिला, ये मुझे यहां तक लेकर आया। अच्छा हुआ जो तुम खतरे से बच गए बेटा। अब थोड़ा रुको तुम। कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, हम जो भी दे वो खुशी से ले लो। आपने मुझे बहुत दिया है। सब लोगों ने 10 साल के बच्चे को ठुकरा दिया, लेकिन आपने अपनाया था। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से। चुन्नी, त्रिवारम पूजा की सामग्री उसके हाथों में थी। उसकी कीमत कितनी है पता है? मेरे जान पहचान वाले का लड़का है वो। तुम्हें जानने वाले लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं। याद है बीड़ी पीते वक्त तुमने यही बात कही थी। यहाँ कोई नियम से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। उपकार करके पैसा कैसे कमाना है ये हम भी जानते हैं। तुम अपने पसंद के लोगों के साथ कुछ भी करो, खाना पीना सोना जेवर किसी को कुछ भी दे दो, लेकिन अब से हम जो भी लूटेंगे उसमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उस पर हमारा भी हक है। और अब हम एक ही रास्ते पर नहीं जाएंगे। तुम सब अगर अपने रास्ते जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सबके सब चले जाओ। चलो जाओ। ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? उसे जाने दो मोहम्मद। हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो? ये कौन है?
और किसी ने नहीं देखा ना? बिल्कुल नहीं, सबके सब सो गए थे तब हम गांव से निकले थे। हम छुपते छुपाते आए, किसी ने हमें देखा नहीं है। सुनो, कहीं भी जाओ, सुबह होने से पहले ये तुम्हें छोड़ के आएगा। हम लोग आज यहाँ आए तो कल दूसरी जगह चले जाएंगे, तुम्हें साथ में लेके नहीं चल सकते। उसे मत छूना, वो पुरानी बात है, अब वो इसकी बीवी है। मैं जा रही हूं, मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, यही ठीक रहेगा। कहां पर? मैं जैसे ही गांव से भागी तो चाइना गैंग ने मुझे गुलाम बना लिया। उसके हाथों से साहब ने मुझे बचाया, उनसे मुझे बचाकर मेरा अच्छी तरह से ख्याल भी रखा। बाहर मेरी जान को बहुत खतरा था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आ गई, अपने पुराने प्रेमी से मिलने नहीं, कायम कुलम कुचनी से मिलने आई हूँ। लेकिन अब मैं उससे नहीं मिलूंगी, क्योंकि अब वो बहुत बदल गया है। मैं चलती हूं। कोई चुन्नी नहीं झेल पाएगा तुम मेरी प्रेमिका हो जान के। मैं तुम्हारी प्रेमिका थी, लेकिन साहब ने मुझे गुलाम बना दिया। जो भी मेरे साथ आना चाहते हैं वो आ जाए। साहब के घर में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे देश की और उनके देश की भी। मैं उनके घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। मुझे उनके चंगुल से बचाकर साहब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्हें तो बस लड़की चाहिए। एक रात उन्होंने मेरा फायदा भी उठाया। मैं अब उन्हें धोखा नहीं दे सकती। उनके राजमहल में घुसने के 7 दरवाजे हैं। पूर्व के रास्ते पर रात को पहरा रहता है। वहां से सीधा ऊपर जाएं तो उसके कमरे में जा सकते हैं। वहीं पर सोने की मोहरों से भरा हुआ कमरा है और वहां से नीचे उतरते ही उनका एक खास कमरा है।
तुमने मुझसे प्यार किया था, मैंने भी तुमसे किया, पर तुम्हारा सच्चा नहीं था। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, गांव वालों ने मुझे बेइज्जत किया, तब भी तुमने कुछ नहीं किया। 6 महीने बीत गए उस बात को, पर तुमने कभी मुझे ढूंढने या मिलने की कोशिश नहीं की। गांव के लोगों और अधिकारियों ने मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे गुलाम बना दिया, पर अब कायम कुलम कुचनी को पकड़ा कर जानकी आजाद हो गई है। दंडनायक से किया हुआ मेरा वादा अब पूरा हुआ। देखो, जिसने नहीं देखा वो देखो, इस राज्य का सबसे बड़ा चोर है ये। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही जायदाद की हिफाजत करनी है। वाह जंगल में अब आप सभी दिन रात कभी भी बिना डर के जा सकते हैं। अब ये कुचुनी हमारी हिरासत में है। जो भी हो, यहाँ वहाँ इधर उधर छुपता हुआ फिरता था। आपसे ऐसा नहीं होगा, है ना? मुझे तो लगता है कि आज रात उसे यहाँ से ले जाएंगे और चौथे दिन उसे फांसी पर लटका देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ ही पलों में साहब को ऊपर लटकाकर मार दिया, ऐसा मैंने सुना है भैया। अरे इसीलिए उसको जंजीरों से बांध करके रखा हुआ है, उसे कैसे मार देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राज्य के राजा बड़ी अच्छी तरीके से राज्य चला रहे हैं, जिसने गलती की है उसे सजा तो मिलेगी ना, यही नियम होता है, जैसे को तैसा।
पानी है। त्रिवेंद्रम के दुर्गा उत्सव के लिए दीवान श्री और सर्व श्री महाराज माधव राय जी के आदेश से कायमकुल्लम कुचुन्नी चोर को अभी तक पकड़ा ना जाने की वजह से और उसे पकड़ने के बाद छोड़ने के लिए केशव को आज से 12वें दिन तक उसे उसके पद से हटाकर दूसरे जगह पर जाने का हुक्म सुनाया जाता है। हुक्म की तामील हो। मुझे एक मौका दीजिए, मैं 12 दिन के अंदर उसे गांव में लेकर आऊंगा। बस आप हमारी मदद कीजिए। आज से 12 दिनों तक छोटी जाति और दलितों को खाना पीना और बाकी वस्तुएं नहीं देनी है। कूली का काम करवा कर उनके हाथ में ज्यादा मेहनत आना मत दें। आप इस तरह का हुक्म सुनाइए, यदि भक्त मन्नत मांगता है तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। हमें पैसे मत दीजिए, ये लेकर कुछ खाने पीने की चीजें दे दीजिए। मैं तो देना चाहता हूँ भाई, अगर मैंने ऐसा किया ना तो इस गांव से मुझे भी निकाल देंगे। चलो। अरे हम तो क्या, और कोई दूसरा भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, और इसीलिए ये सीमा बनाई जा रही है। चलो 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 चलो, बंद करो। हाँ। साहब की हत्या हो गई। इंग्लैंड में उनकी बीवी और छोटी बच्ची है। ये एक अधिकारी की हत्या का मामला है, वो किसी भी हाल में बचने वाला नहीं है। उसने सब कुछ यहीं से ही सीखा है। बड़ा खिलाड़ी है वो, कल्लरी के नियम के अनुसार। वो यहां जरूर आएगा, वो वापस ना जाए। आपको मेरी मदद करनी होगी। एक पुराने शिष्य के तौर पर मैं उसे हराना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसके लिए मुझे कुछ बताइए। आप लोग उसे फांसी पे लटकाओगे, उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। 3 मौके। मैं दीवान से बात करके दिलवा सकता हूं। सच बोल रहे हो? आपका ही शिष्य हूं मैं। 72,000 नसों में से कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, अगर वहां वार करोगे तो वो फिर कभी भी किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। वो जगह क्या है ये तुम्हें जानना पड़ेगा।
चुन्नी आ गया। कुचुन्नी, हमें वहां जल्दी पहुंचना है, जल्दी चलो। हट। जीत गया कुचुन्नी, हमने शुरुआत कर दी है। तेरी कीमत लगाई और हमने हासिल कर लिया। कुच्चू पिल्ले, पार्वती कुच्चू पिल्ले, ऐसे ही पुकारना। इन्हें अब तोहफा देना चाहिए, अब जो कुछ भी होगा वो इनके पास होगा। इतनी दौलत की पूरी जिंदगी जी सकें सिर्फ इसलिए कि इन्होंने तुम्हें पकड़वाया है। तुम्हें इस साल में देखूंगा ऐसा मेरे मन ने कहा था। 3 दिन के बाद तुम यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाओगे। पैसों के लिए बिककर अब तुम लोग बकवास कर रहे हो, सुअर के बच्चों। इसे लेकर चलो। मारो इसे और मार कर इसके पैर तोड़ दो। कमीने, देखो मेरी बात मानो, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, निकल जाओ। ईस्वी में पौष महीने की 7 तारीख उत्तर त्रिनाल महाराजा के आदेश के अनुसार दीवान श्री माधव राय साहब का दिया हुआ हुकुम पौष महीने के 9 तारीख को तृतीय पहर में कायम कुल्लू कुचुन्नी नामक नामी चोर को फांसी में लटकाने का हुकुम सुनाया है। मैं चलता हूँ। मैयत का संस्कार मैं करूँगा, जो नजदीक का आदमी हो वही ये करता है ना? ऐसा कोई नियम भी नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, खबर आई है कि जेल में उससे कोई मिल नहीं सकता, ऐसा नियम बना हुआ है। दंडनायक, उसके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसने मुझे विश्वास दिलाकर मेरे साथ धोखा किया। मैंने उसका राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए, कुचुन्नी ने इसे संभाल कर रखने को कहा था, ये कुछ काम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता,
इसे किस्मत बदल सकती है। उसे फांसी पर लटकने से पहले इसे राजमहल में दे दिया तो मैं एक बार उसे मिलना चाहूंगा। चलता हूं। ले आओ उसे। आ जाओ। ये जिनसे भी मिलना चाहे महाराजा ने मिलवाने के लिए कहा है। सब तैयारी हो गई? जी महाराज, सारी तैयारी हो चुकी है। सजा देने से पहले गुनहगार को एक पल के लिए मिलने की उसे अनुमति दी जाती है। उसे कोई मिल नहीं सकता, ऐसा दीवान ने मोहर लगा कर दिया है। कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पर राज्य के राजा से मिलने का हुक्म था। जो हुक्म। जानता हूं मैंने हराया था, केशव नहीं, कुछ पिल्ले नहीं, सेना नहीं, किसी में भी इतना दम नहीं है। सिर्फ आप ही अपने पसंद के शिष्य को हरा सकते हैं, बस आप ही जानते हो, है ना? यही तो नियम है ना? हर दिन उठते बैठते मैं अपने मन में एक ही चेहरा देखता हूं। मरने से पहले भी मैंने वो चेहरा देख लिया है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कायम कुल्लम को न जानने वाले लोगों के लिए वो एक चोर है, कातिल है। शुरू में मैं भी उसे समझ नहीं पाया था। मेरे साथ कायम कुल्लम की लाश ले जाने के लिए 100 लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखो, मदद करने वाला तो ऊपर वाले के जैसा होता है। यही ज्ञान मैंने अपने सारे शिष्यों को दिया था, तुमने समझा और तुम शिष्य बन गए। मैं यहां से जाने से पहले तुम्हें एक सलाह देता हूं। Criminal Cochuni is to be publicly hanged today on charges of banditry, inflicting injury to many, and murder. Let this serve as a warning to one and all that anyone pursuing such treacherous acts will be shown no mercy.
सर पॉप सॉन्ग द ग्लोरी ऑफ द लैंड द क्रिमिनल हूज़ टू बी हैंग्ड पुट एन एंड टू इट नाउ पुलिस अटैक मैंने वादा पूरा किया अपना मेरे बदले इसे आपने बड़ा खिलाड़ी बनाया था ना गुरुजी अब इसकी हालत खुद देखिए लेकिन ऊपर वाले ने नहीं सुना केशव मैंने उसके कान में कुछ कहा वो मरने वाले के लिए वेद के जैसा होता है गुरु मैं हूं उसका भी और तुम्हारा भी देखो किसी भी शिष्य को मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है गणपति से शुरू होकर गरुड़ तक रहने वाला 64 स्थान रहे 36 गुण रहे 7 जन्म हो तो भी तुम इसे रोक नहीं पाओगे तुम उससे जीत जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता कर्मों का फल भोगना पड़ता है
पत्तनमतिट्टा जिला कोलंजेरी गांव में, वहां के भल देवर नाड़ा क्षेत्र में वो मुसलमान अभी भी रह रहा है। गरीबों की आंख से आंसू पोंछने वाला, जाति धर्म से ऊपर उठकर वो ऊपर वाले के रूप में रह रहा है। कायम कुल्लम कुचुन्नी।